दोस्तों मैच के दौरान हमें एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। जी हां दोस्तों, दरअसल साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे ओडीआई मैच में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी, तब ड्रेसिंग रूम के पास बैठे मोहम्मद सिराज अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए नजर आ रहे थे। मोहम्मद सिराज अपनी महिला फैंस को ऑटोग्राफ दे रहे थे। जब बाकी भारतीय खिलाड़ियों ने यह देखा तो वो सिराज की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद जब मोहम्मद सिराज कप्तान शिखर धवन के पास आकर बैठे, तब नजारा देखने लायक था। शिखर धवन और कुलदीप यादव सिराज की इस हरकत पर उनकी टांग खींचते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद सिराज भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। मैच के दौरान हुई ये घटना देखने लायक थी। दोस्तों आपकी राय में क्या मोहम्मद सिराज को जसप्रीत बुमराह की जगह वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।